और अभी हमारे पास सामिया आई है, ये ना बोल रही है मेरी ना वो वीडियो बना दो, मम्मा बोल रही है कि ना मेरी वीडियो बनाओ मेरे पापा देखेंगे फिर। तो तब से पीछे लगी थी, मैं टहला रही थी, जा ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इसकी भी बनाई दो वीडियो। ये देखें ये हमारी सामिया, ये आ चुकी हैं, ये कब से पीछे लगी हुई थी, मुन्नी हिलो नहीं, तो ये कब से पीछे लगी हुई थी। मैंने आपकी वीडियो बनाई है ना, आप बोलो वेलकम, नहीं थैंक यू बोलो, वेलकम। ये बहुत तेज है, तो आप बोलो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे चैनल को चलो चले। ये सी है ना, ये मेरे साथ रहती है ना, तो ये सब सीख गई है, और अपने घर में भी अकेली रहती है ना, तो अपनी मम्मा का मोबाइल उठा के ये ब्लॉग बनाती रहती है। कि आज हम बनाने वाले हैं बर्गर, कहाँ है बर्गर, अभी अभी थोड़ी बनाएंगे, शाम में बनाएंगे, तो अभी मैं दिखा रही हूँ बस। तो ये देखें, ये मैंने बंद मंगाया है, बर्गर के जो बंद होते हैं वैसे तो मीठे मिलते हैं, लेकिन ये मैंने बोल के मंगाया है ख़ास तौर पे, ठीक है, जो के बर्गर बनाने में काम आते हैं। तो देखते हैं आज हम बनाएंगे बर्गर और कैसे बनते हैं हमारे बर्गर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलें फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम खा रहे हैं चिप्स, अभी हमने मंगाई है ये चिप्स, अब ये खा रहे हैं हम, शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो अभी बनाई थी मुस्कान ने चाय, लेकिन मुझे नहीं दी, तो अब मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगी चाय, अब मैं पी चाय बना के ये चिप्स खा के फिर बनाऊँगी चाय। और अभी आलिया नहा रहा है, उसने भी खाना नहीं खाया, वो खाना खा के फिर जाएगा ट्यूशन। मैंने तो खा लिया भाई चिप्स, अब ये जो बाकी की है ये आलियन खा रहा है और मम्मा खा रही हैं, ये दोपहर का खाना अब इतनी देर से खा रहा है, कितना खुश हो रहा है, मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ ना। तो चलो अब मैं जाती हूँ चाय बनाने, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं अपने बर्गर, और ये हमारी मम्मा जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, मिलाद में जा रही हैं, ये क्या नाम है जिनके मैं गई नहीं थी आईब्रो बनाने, ये उनकी बहन की मुलाद है घर में ना, तो उधर जा रही है, तो चले अभी मैं दिखाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं बर्गर बनाने के लिए, जो चाहिए वो सब मैंने रेडी कर लिया है, आए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए भाई, मैंने तो ये सब चीज़ें रेडी कर ली हैं, टमाटर और खीरा, ये हरी चटनी मैंने पीसी है, इसमें पुदीना, हरी मिर्ची, ज़ीरा, लहसुन और नमक, बस ये डाला है मैंने और कुछ नहीं डाला। और ये इसी हरी चटनी का जो ना मैंने रायता बनाया है, ये दही में बस हरी चटनी डाल दी तो ये रायता बन गया। और ये मैंने बंद मंगाए थे जो मैंने दिखाए थे कल आपको, वो केचप है, गार्लिक केचप, ये फीके बंद होते हैं, ये मैंने ना मंगाए थे, फीके बंद होते हैं ये बर्गर के लिए, तो ये सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। ये मायोनीज जो है ना मेरे को मिल नहीं रही थी, पता नहीं आलियन ला नहीं रहा था जानबूझ के, क्या मसला है, ये मिल नहीं रही थी ना मेरे को, तो जो है ना मैंने ये बोला है आलियन से कि ये देख कर लेकर आ, ये किसी के घर पर रखी हुई थी ये, तो ना मैंने उनसे मंगाई है, अब ये देख के गया, अब लेने गया शायद ये। तो चले आए, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं बर्गर। मैंने अपने कबाब जो मैंने बचा के रखे थे ये वो है, मैं दिखाना भूल गई, किचन में रखे हुए थे मेरे पास बचे थे, जो मैंने कबाब बनाए थे ना उसमें से मैंने 5 उठा के रख दिए थे, मैंने ये बर्गर बना दूँगी इसमें काम में आएंगे, तो दो उन लोगों ने निकाल के खा लिए उसमें से, अब बचे थे 3। अब मैंने क्या करा, 8 बर्गर थे, मैंने ना 3 बर्गरों को ना वो सॉरी कबाबों को तोड़ा, बहुत बड़े बड़े बना दिए थे मम्मा ने, मतलब 3 में तो गुजारा होगा नहीं, मैंने 3 को तोड़ा, तोड़ के फिर जो है ना इसमें से छोटे छोटे ही मैंने ऐसे कबाब बना लिए, ये 8 पीस बना लिए मैंने, अब ये हो जाएंगे। मैं निकालनी है अपने बंद, अब इसे मैं थोड़ा सा तेल में सेक लूँगी, ये ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाले जो होते हैं ये वो हैं, तो चले मैं सेकती हूँ अपने बर्गरों को। तो ये मैंने अपना डाला है इसमें तवे में हल्का सा तेल, जिसमें मैं ये सेकूँगी। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे बर्गर सेक लूँगी, हल्का सा तेल लगा के, तेल या घी आप कुछ भी लगा के इस तरह से ये सेक लें। मैंने चारों के चारों सेक लिए, बनाऊँगी तो वैसे मैं 8, लेकिन जो है ना अभी मैं सिर्फ 4 बना रही हूँ, क्योंकि अभी बासू भी नहीं है, मम्मा भी अभी मिलाद में चली गई, तो अभी सिर्फ मैं 4 बना रही हूँ, फिर बाद में ये लोग खाएंगे तो फिर और बना के दे दूँगी। तो ये
मैंने ये नीचे वाले पैटीज सारे सेक लिए हैं। अब इसके बाद मैं ये थोड़े ये तले हुए तो थे कबाब, लेकिन मैं तेल में थोड़ा सा और तल लेती हूँ इनको। तो ये मैंने अपने चार कबाब तल लिए हैं, और ये ऊपर वाले जो पैटीज है ना, ये मैं बाद में तलूँगी जब मैं पूरा बर्गर बना लूँगी, फिर ऊपर से सेक के फिर ऊपर से रखूँगी। तो चलें अभी ये लेके चलती हूँ मैं कमरे में। हमारे यहाँ किचन बहुत छोटा है हमारा, तो इस वजह से मैं कमरे में बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो चलो भाई, अब हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। तो इस पर सबसे पहले हम लगाएंगे रायता। ये हमने लगा दिया इस पर रायता, और इसके ऊपर से हम रखेंगे ये एक कबाब। ये रखने के बाद खीरे वगैरह रखेंगे। मुन्नी नहीं, ये हमारी ऑपरेशन है, ये नियति बोल लिया हमें वो दो खीरा, तो ये रख दिया। अब इसके ऊपर से हम टमाटर रखेंगे। ये रख दिए टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे ये अपनी मायनीस, जो कि आर्यन लेकर आ गया है। मक्खी आप हटा लो ना, बस इतनी डालूंगी। और इसके ऊपर से डालूंगी मैं केचप। अरे केचप नीचे गिर गया, तो ये केचप लगा दिया हमने, ये अब मैं बाद में साफ कर लूँगी। और इसके ऊपर से हम लगाएंगे अब चटनी। चटनी का चम्मच मैं लेकर नहीं आई, तो मैं ये रायते के चम्मच से ही लगा देती हूँ। वैसे बंद में लगती चटनी, मैं भूल गई लगाना, तो कोई मसला नहीं, ऊपर से भी डाल सकते हैं हम। इस पर लगा देंगे हम। रायता लगा देंगे इसके ऊपर से हम। तो ये सॉरी, ये तो ऊपर वाला नहीं है, ये तो नीचे वाला है। तो अभी हमारा बर्गर हो चुका है रेडी। अब इसका ऊपर वाला पीस हम सेक के फिर लगाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह ऊपर वाले पीस पे जो है ना, हम ये चटनी और रायता लगा के वो इसके ऊपर से ऐसे रख देंगे और फिर सेक लेंगे। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सारे मैंने जिस तरह से ये बनाया है बर्गर, उसी तरह से मैंने सारे बर्गर अपने रेडी कर लिए हैं। और इस वाले में थोड़ी सी मैंने मिर्ची हल्की रखी है बासू के लिए, वो कम खाता है। तो अब ऊपर के जो बंदे हैं ना, वो मैं सेक के फिर इसके ऊपर रखूँगी, उनमें भी ये सब चीज़ें लगाऊँगी, दोनों चीज़ें। तो चलें आप किचन में चलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये अब मैं सारे बर्गर जो मैंने ऊपर के निकाल के रखे थे, अब वो मैं सेक लूँगी, हल्का सा तेल लगा के सेक लूँगी इसे मैं। तो ये देखिए, अब ये मेरे पेट ऊपर के जो बर्गर थे ये सेक चुके हैं, हल्का हल्का सा ही सेक। देखिए हमारे बन चुके हैं बर्गर, और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सेक गया था, आँच तेज़ हो गई थी। तो ये हमारे सारे बन चुके हैं बर्गर, तो हमने बना लिए है बर्गर, हमारा रेडी हो चुका है ये बर्गर। चलें अब इसे टेस्ट करते हैं कैसा बना है, खा के चेक करते हैं हम। तो हमारा बर्गर बना है बहुत टेस्टी, जैसे हम बाजार से मंगाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना है। फिर देखिए तड़ा बनाए, बड़ी मुश्किल से मुंह खोल के मैंने खाया, जब भी मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली, क्लिप नहीं डाला। तो ये देखिए हमारा हो चुका है रेडी, और अगर सब चीज़ें मैंने इसमें डाली है। तो अभी हम खाते हैं बर्गर इंजॉय, और आप लोगों को जिस जिसको खाना है वो आ जाए फटाफट। ये देखो ये मैंने बनाया था मम्मा के लिए, अभी मैंने नहीं खाया, वो मिला थी खाना खा के, इस वजह से नहीं खाया। ये आलियान अब बना रहा है अपने लिए। ये लोकल वाला केचप लगा रहा है, बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये अपने लिए बना रहा है, अब ये खाएगा केला। और ये हमारे अब खाना खा रहे हैं। बस बन गया ये बेटा, घर का है ये, खा के देखो बाहर का अच्छा। ये क्या कर रहा है ये देखो, ये हमारा आलियान ना अपने तरीके से अपने ही लिए बना रहा है, मतलब जो तू बना रहे ना तुम खुद ही खाओगे, इतने अजीब तरह से बना रहा है। खा बेटा, भी इसको मुंह खोल के खा, देख कितना बड़ा मुंह खुलेगा। इन्हें ये तैयार कर लिया बर्गर अपना। आलियान अब खा के दिखा, नहीं
तो अभी ने खा लिया है बर्गर और ये आधा हम मुस्कान को देंगे, जबकि उन्हें एक खा लिया था, ये फिर भी हम आधा दे देंगे, और नीति मांग रही है को पोलियो कर दिया बर्गर को। तो अभी हम सब ने खा लिया है बर्गर, बर्गर बनाए थे मैंने और मम्मा चले गई थी रात में, तो रात में से बहुत देर में आई थी और खाना वाना खा के आई थी, तो इस वजह से उन्होंने खाया नहीं, मैंने बनाया था उनके लिए लेकिन उन्होंने खाया नहीं। तो हम सब ने खा लिया बर्गर और बर्गर बने थे बहुत टेस्टी, मतलब बहुत मज़े के बने थे, जैसे बाज़ार में मिलते उससे ज़्यादा अच्छे बने थे। तो इसी के साथ करेंगे हम अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि रात का 1 बजे। तो ये देखो यालियन हमारा लेटा हुआ भी है, रात का 1 बजा है। आज जो व्लॉग मैंने बनाया ना वो सबसे ज़्यादा, मतलब पूरा दिन समझ लो मैंने बनाया है, और सबसे लंबा जो कहते हैं ना, जो सबसे लंबा व्लॉग मैंने आज बनाया है आज के दिन, और रात का 1 बजा। और अब मैं कर दूँ अपने व्लॉग का एंड। तो हमारी वीडियो सबको लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय टाटा। दुआ में याद रखना और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।